शनिवार को सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे के द्वारा गोला सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि गोला के सीएचसी की सफाई व्यवस्था ठीक ठाक नहीं पाई गई तथा बाथरूम भी साफ सुथरे नहीं पाए गए तथा वहां के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द सीएचसी की सफाई हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएचसी के ठीक बगल में प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने जाकर बच्चों से थोड़ी बातें की तथा उन्होंने बच्चों को उत्साहित किया कि आप लोग खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धोकर खाना खाएं। उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, सर आज गोला में जेएसआई वार्ड का निरीक्षण किया गया, आपके द्वारा क्या था? आज हम गोला सीएससी का निरीक्षण किया, आकस्मिक निरीक्षण किया, तो वहाँ सफाई की अच्छी नहीं पाई गई, बाथरूम ठीक ठाक साफ सुथरे नहीं पाए गए, इस पर हमने वहाँ के लोगों को निर्देश दिया कि सफाई प्रॉपरली होनी चाहिए, मरीजों का अच्छी तरह से देखभाल होना चाहिए। दो तीन न्यूली बॉर्न बेबी थे, इनका भी हमने निरीक्षण किया और पूछा भी कहीं से कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो मरीज संतुष्ट थे, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था कि अस्पताल की दुर्व्यवस्था को देख करके, गंदगी थी, जाली लगे हुए थे, तो हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर में सारी सफाई हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, हम पुनर्निरीक्षण एक हफ्ते के अंदर में करेंगे और बहुत अच्छी तरह से उसको सुदृढ़ करेंगे, प्रयास करेंगे कि अच्छी तरह से अब मैनेज हो सके। सर स्कूली बच्चों के साथ भी आज समय बिताया? हाँ, बगल में एक बीएचएनडी सेशन मैं देखने गया था, तो मेरा बीएचएनडी सेशन जो स्कूल के ही एक कमरे में चल रहा था, तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे मुझे देख के, तो मैं भी वहाँ गया, तो बच्चों के साथ में मैं थोड़ी बहुत बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। हमने कहा कि बगल में वैक्सीनेशन चल रहा है, आप लोगों का टीकाकरण चल रहा है, तो आप सभी लोग टीका लगवा चुके हैं, तो सभी बच्चों ने हाथ उठा के कहा जी हाँ हम सब लोग टीका लगवा चुके हैं। कोरोना के बारे में हमने पूछा तो कहे हाँ हम लोग हाथ धोते हैं, और कुछ बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से हमको हाथ धोते हुए दिखाए कि कैसे हाथ धुला जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों को मैंने प्रोत्साहित किया। कुछ बच्चे, एक दो बच्चे डर गए मुझसे कि इंजेक्शन लग तो नहीं जाएगा, तो नहीं, मैंने सबको तो अच्छा लगा मैंने देखा, और स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ दो टीचर थे और लोग बहुत अच्छी तरह से बच्चों का ध्यान दे रहे थे। मिड डे मील भी बच्चों को मिला हुआ था, दाल चावल और सब्जी उनको बच्चों को मिली हुई थी, तो बच्चे सब खुश थे, अच्छा चल रहा है।